महिला गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार ने नगीना विधानसभा क्षेत्र में किया जनसंपर्क। आपको बता दें कि लोकसभा नगीना क्षेत्र से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार ने नगीना विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार लगातार जनता के बीच में जाकर अपने लिए जनता से अपील कर रहे हैं। नगीना लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी मनोज कुमार द्वारा नगीना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पखनपुर, भूरापुर, नैनपुरा, करौंदा, पछदू, किधौड़ा आदि ग्राम पंचायत में अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया गया। जनसंपर्क के दौरान ग्रामवासियों द्वारा फूल मालाएं डालकर स्वागत किया गया। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार ने अपने संबोधन में कहा गया कि वर्तमान सरकार में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहा है तथा भर्ती होने से पहले पेपर लीक हो जाते हैं। इस मुल्क में कोरोना काल के दौरान एक व्यक्ति ही अमीर बनता है और इस समय हमारे बच्चों को स्कूलों से पीले चावल दिए जा रहे हैं और शिक्षा से भटकाया जा रहा है। इसलिए हमें शिक्षा से नहीं भटकना है और अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है। इसलिए अपना वोट इंडिया गठबंधन को देकर इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करना है। जनसंपर्क के दौरान नगीना विधायक मनोज पारस, जिला पंचायत सदस्य शमीम अहमद, आजम साहब, कादिर साहब, हसीनुद्दीन साहब, रिजवान साहब, दिनेश कुमार, खुर्शीद कुरैशी प्रदेश सचिव समाजवादी, हाजी रोशन साहब प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, शाहिद मंसूरी, मोहम्मद आबिद, मुकीम भाई, एहसान अली, न्यू एडवोकेट नजाकत अली एवं इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता पर पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। चुनाव लड़ा रहे, आखिर पैसा आ कहां से, कौन दे रहा है पैसा? अभी आपको जाना पड़ेगा बहुत दूर, बचाओ मोबाइल है, इस मोबाइल में कहना कि मध्य प्रदेश में इनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष क्या करते हुए पकड़ा गया। मोबाइल खुद बता देगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में इनका प्रदेश अध्यक्ष 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया। ये वो पैसा है, ये बीजेपी और आरएसएस के लोग वो पैसे खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। क्यों? उनका सीधा मकसद है कि आप बहन जी तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आ गई है, उनपे मोहर लगेगी, बीजेपी की मदद करती है, नए चेहरे को आपके बीच में भेज दिया, ये जाओ तो मुसलमानों के वोट बांटने का काम करो जिससे भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान हो जाएगी। इसलिए आपको बचना है, इनकी साजिशों को समझना है। इनकी साजिश को समझ जाओगे तो याद रखना 19 तारीख को ऐतिहासिक दिन होगा। इतिहास याद करेगा कि आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, जिसमें हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण क्या है? अगर ये आरक्षण ना होता तो अपने दलित समाज के लोगों आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये आरक्षण ना होता तो आज आपके घर में जो 4 ईंट लगी है ना, वो ईंटें नहीं लग सकती थी, आज आपको बैठने का भी अधिकार ना हो।